Hi guys, namaste, welcome back to my channel and thank you so much each and every FactFab family member for support, love, lots of blessings. And to be honest, मैं बहुत ज़्यादा like blessed feel कर रही हूँ. इतने सारे comments, इतने सारे blessings and इतने सारे अच्छे अच्छे comments मैंने read करे हैं वहाँ पर. And to be honest, मेरी expectation के next level के मुझे comments वहाँ पर receive हुए हैं. Lots of messages, lots of tags, lots of prayers and really mean a lot to me. And it's really mean a lot to me. And thank you so much each and every family member who for support, love, care, concern and blessings. And yeah, finally functions जो हैं वो ख़त्म हो गया है, over हो गया है. And अभी हम back to track आ रहे हैं. But जो भी like preparation थी and सब कुछ था, तो last moment पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. And भागा दौड़ी के चक्कर में मेरा almost gain हुआ है 6 kgs, because I am alone, I have to do each and everything by my own. So बहुत ज़्यादा market का हॉश पॉश रश, इधर उधर भागा दौड़ी एंड बहुत सारी चीज़ों की वजह से मेरा वेट जो गेन हुआ था इस पूरे प्रोसेस में, इट्स लाइक 6 kgs. सो मेरा वेट जो था वो 59 to 60 kgs के बीच में फ्लक्चुएट करता था एंड वो एकदम से जंप कर गया 66.2 रोके के नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे. दो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे वाटर रिटेंशन भी था, मेरे को स्वेलिंग भी था, नींद भी पूरी नहीं थी. मैक्सिमम लाइक 1 week से सिर्फ 2 या 3 hours का हमारे को स्लीप मिल रहा था एंड बहुत सारे हॉश पॉश भी चल रहा था. मील भी टाइम पे नहीं था, पानी भी नहीं था. मुश्किल से मैंने 1 liter जितना पानी पिया होगा टोटल 2 से 3 दिन में सिप करके, या फिर एक एक दो दो गिलास, कुछ भी ध्यान नहीं था. तब इन सब चीज़ों के चक्कर में मेरा वेट बढ़ा है पूरा का पूरा 6 kilo. सो जब मैंने अपना वेट चेक करा, सो इट्स लाइक 66.2. सो नेक्स्ट डे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसे में अगर हमारे लोगों का वेट 200-300 ग्राम भी बढ़ जाता है तो हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है. बट जब इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया एंड बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेल्ड लग रही है, एकदम बलून की तरह आपका शक्ल हुआ पड़ा है एंड बहुत ज़्यादा यू नो टाइट हो रही हैं चीज़ें, सो फील आता है कि चलो डिटॉक्स करते हैं, चलो सिस्टम क्लीन करने के लिए कुछ करते हैं या फिर अपने आप को थोड़ा रेस्ट देते हैं. आई एम श्योर आप लोगों के साथ अगर ऐसी वाली कुछ सिचुएशन होती है, सो किस तरीके से हम बैक ट्रैक करें, अपने आप को ट्रैक पे वापस लेके आएँ, अपने आप को किस तरीके से ठीक करें और किस तरीके से थोड़ी बहुत स्वेलिंग कम करें इन अ डे. सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक सिंपल सा डिटॉक्स प्लान, जीरो सॉल्ट प्लान, जो कि करने से आपका इजीली जितना भी स्वेलिंग वाला वेट होता है आप इजीली 1 से 1.5 kilo तक वेट लॉस कर जाते हो. जब मैंने ये प्लान किया था तब मेरा वेट जो था वो 66.2 था एंड वो बिल्कुल गिरा 64.4 पे आ गया था 1 day के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे मैंने गर्म पानी की बॉटल से अपनी सिकाई करी, अपनी मालिश करवाई बहुत अच्छे से, मैंने नींद पूरी करी है, मैंने बहुत ज़ीरो सॉल्ट करा है, मैंने खूब सारे पानी पिया है, टी पिया है. सो वो एग्जैक्टली डाइट क्या है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बिकॉज आई एम श्योर आने वाले टाइम में आपके साथ भी इस तरीके से हॉश पॉश होगा. सो फिर आपका अगर गेन होगा सो इस तरीके से आप लूज़ भी कर सकते हो. सो द फर्स्ट थिंग इज़ मॉर्निंग में मैं जल्दी उठी थी, एक दिन पहले मैंने खूब अच्छे से खाया था, अपना खिचड़ी खाया था और छाछ पिया था, अपनी बॉडी को हाइड्रेट किया था, अनार का जूस पिया खूब सारा. बट नेक्स्ट डे से अब आता है डिटॉक्स की बारी. सो फर्स्ट थिंग मॉर्निंग में मैंने लिया था नारियल का पानी, एक नारियल पानी पूरा फुल ग्लास, अगर हाफ में मिलता है देन उसको पूरा फुल करो एंड फिर उसको लेंगे. नेक्स्ट मैंने ब्रेकफास्ट पे लिया था बेसन का चिल्ला विदाउट सॉल्ट, खाया जाता है घी के साथ, 1 से 2 चम्मच मैं घी लगाती हूँ डेली एवरी डे इन द मॉर्निंग. एंड घी के साथ, देसी घी के साथ मैंने 1 से 2 बेसन का चिल्ला लिया था विदाउट शुगर वाला, हमारा मिल्क टी एंड कॉफ़ी मैंने साथ में इसके साथ लिया था. मिड ब्रेकफास्ट में मैंने लिया था पपाया, बॉल ऑफ पपाया, एक छोटा सा ठंडा पपाया लिया था एंड उसके बाद मैं सोने चली गई थी, मैं नींद ली थी. एंड नींद से जब मैं उठी थी तब मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी एंड मैंने लिया था उसके बाद टिक्कीज, मैंने टिक्की खाया था एंड इसमें कोई किसी भी टिक्की में सॉल्ट नहीं था. ये सिंपल टिक्की है जिसके अंदर मैंने घिया, पनीर, ब्रोकली एंड थोड़ा सा ओट्स ग्राइंड करके पूरा टिक्की बनाया था. एंड ये 2-3 टिक्कीज मैंने ली थी विद माय होममेड चटनी, बट आई विल मेक श्योर कि इसमें कोई भी टाइप का मैंने सॉल्ट ऐड नहीं करा था. बात आती है इवनिंग टी की, इवनिंग टी में मैंने लिया था पील टी, बिकॉज पील टी मुझे डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंड उसके साथ मैंने विदाउट सॉल्टेड मखानास लिया था. ये रहा, अब बात आती है डिनर की. नाउ डिनर में आई फील लाइक कि मुझे जल्दी लेना है डिनर और मुझे जल्दी सोना है. सो सोने के टाइमिंग मैंने सेट करे थे 9:30 से 10 बजे उस दिन स्पेशली. एंड मैंने डिनर में लिया था सूप, बहुत सारी सब्जियां, मशरूम भी डाला था, कॉर्न भी डाला था, टमाटो सूप बनाया विदाउट सॉल्ट, खट्टा खट्टा होता है सो मुझसे बिना नमक का लिया गया एंड उसके अंदर मैंने डाली जितनी सब्जियां मेरे पास पड़ी थी वो सारी सब्जियां डाली और मैंने भर के सूप पिया था 1 कटोरा. सो डिनर में मैंने लिया था जीरा टी. सो ये रहा मेरा जीरा टी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जस्ट पिंच ऑफ जीरा मैंने बॉईल किया था 2 कप पानी में टिल इट कन्वर्ट इनटू 1 कप, छान के मैंने इसे पिया था.
नॉर्मल वाटर जो मैंने अपनी डाइट में इस पूरे दिन इंक्लूड किया था वो किया था 4 लीटर पानी मैंने पिया था एंड बहुत अच्छे से हमने अपने आप को फ्लश ऑफ करा है एंड स्वेलिंग जो है वो नेक्स्ट डे मेरा फेस छोटा हो गया. स्टिल मैंने 4 kgs अभी गेन किया हुआ है. सो मैं आने वाले टाइम में लाइक कुछ वीडियोज ऐसी बनाऊंगी जिसमें आपको हेल्प मिलेगा कि क्या क्या किस किस तरीके से खाकर आपका जो वेट है वो बैक ट्रैक पे आ सकते हो. आप जो आपका लॉस्ट वेट था, जो एग्जैक्ट आपका वेट एक चल रहा था उससे अगर गेन हुआ है सो आप किस तरीके से बैक उसको लेके आ सकते हो कुछ डिटॉक्स वाटर एंड सूप्स के चलते हुए. सो या दैट्स इट. एंड अगेन आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल. एंड आप लोगों ने 7-8 ईयर्स से मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करा है, साथ दिया है, ब्लेसिंग्स दिया है एंड आई एम श्योर आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही मुझे लगी है बहुत सारी कि बहुत सारी चीज़ अच्छी अच्छी हो गई है मेरी लाइफ में एंड आई एम रियली हैप्पी एंड डर नहीं है मुझे, आई एम हैप्पी. सो या सो पॉइंट इज कि आप लोग प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स देते रहना बहुत सारी चीज़ें. आई नो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं यू नीड अ व्लॉग, प्रॉपर व्लॉग रोके का प्रॉपर व्लॉग चाहिए आपको. डेफिनेटली मेरी टीम एडिट कर रही है, बहुत सारे क्लिप्स हैं हमारे पास. सो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना. सो वो व्लॉग आएगा मेरे सुमन सनशाइन चैनल पे बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक आ जाएगा. यार वो आधा व्लॉग हो चुका है बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर ईच एंड एवरी थिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो या आई गेस दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो एंड जिसमें पोस्ट करना चाहूँगी कुछ न्यू रेसिपीज डिनर या लंच की एंड बहुत सारी समर्स की रेसिपीज हम लेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में. सो या दैट्स इट. एंड व्हाट आई ईट इन अ डे का शॉर्ट जो है वो रेडी हो रहा है क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ किलोज गेर रही हूँ, कुछ ना कुछ ग्राम्स जो है मैं गेर रही हूँ अपने वेट लॉस में क्योंकि मेरे को वापस 59-60 kg पे आना है. सो या दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून. सो टेक केयर जी एंड थैंक यू, रियली मीन अ लॉट टू मी. थैंक यू.